प्रधानमंत्री अब उतर गए हैं, यहाँ पर जिन लोगों को विशेष तौर पर बुलाया गया है अब प्रधानमंत्री वहां पर, जो बच्चे जो बैठे हुए हैं, बिल्कुल, और इसमें बच्चे होंगे, छात्र छात्राएं होंगे और कुछ सरपंच जो हैं गांव के अलग अलग, उन्हें बुलाया गया है देश भर के। तो यहाँ पर श्रमिक जो हैं वो भी आए हुए हैं, मजदूर जो हैं वो भी आए हुए हैं और प्रधानमंत्री अब पहुंचे हैं यहाँ पर। श्रमिक तबका और छात्र छात्राएं जो हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। यहाँ पर फिलहाल स्कूली छात्र छात्राएं मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। प्रोसेस की जरा आवाज बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि इस वक्त सुनने की कि वहाँ पर क्या हो रहा है। And the disciplined restraint with which they are meeting him. Very special moment for all of them. Young India, our youth, our future. It is the responsibility of a nation to nurture and cherish its children. To expose them to different opportunities, to help them avail those which are the best for them. And these moments and these words of encouragement, these conversations, these slightly light-hearted interactions with their Prime Minister, definitely going to leave some very special memories in their hearts. देश के कोने कोने से ये एनसीसी कैडेट्स यहाँ पहुंचे हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उनकी यही खासियत है, देश के सर्वोच्च नेतृत्व का युवा शक्ति से सीधा संवाद, अनुशासन बनाए रखना है, साथ ही साथ बातचीत भी कर रही है, इंटरेक्शन भी करना है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से। प्रधानमंत्री यहाँ पर स्कूली छात्र छात्राओं से मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए, अभिवादन उनका करते हुए, और हमने देखा अब अंकित किस तरह से जोश से भरे हुए प्रधानमंत्री अभी यहाँ पर वो सीढ़ियों पर तेजी से आगे बढ़े हैं। और उन्होंने ये कहा भी, इस बात का जिक्र भी किया है कि ये सिर्फ हमारे देश में है कि 30 साल से कम आयु की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा हमारे देश में, भारत में है। हमारे साथ खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, विनोद शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और कई सालों का ये दस्तूर है विनोद जी, 15 अगस्त को आप खास तौर से हमारे साथ होते हैं, एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों को कुछ खास अनुभव अपने साझा करते हैं और बताते हैं कि पुरानी बातों को भी आप याद दिलाते हैं। तो सबसे पहले यही जानना चाहूँगी विनोद जी आपसे कि कैसा लगा आपको आज का प्रधानमंत्री का भाषण, पूरे 90 मिनट का ये भाषण रहा है। इस भाषण से जाहिर था, प्रधानमंत्री अक्सर जब प्राचीर से लाल किले की संबोधित करते हैं तो एड्रेस टू द नेशन होता है, और उसमें प्रधानमंत्री विभिन्न सेक्टर्स में जो सरकार की पेशरफ्त है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये भाषण जरा जुदा था। और इस भाषण से साफ जाहिर था कि प्रधानमंत्री अब कार्यरत हैं इस बात के लिए कि जो काम उन्होंने पिछले एक दशक में पूरा किया है उसको आगे ले जाने के लिए दोबारा उनको मौका मिले।